गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोग को कल ग्रामर में चैप्टर 6 पढ़ाया था, जिसमें था हमारा एडजेक्टिव। और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर ए में हमारा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में छांटना था। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी छांटना है। पिक आउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक आपको करके दिखा दिया गया है, बाकी फिर करना है हमें। तो इसमें हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी किसकी मात्रा कितनी है हमें वो छांटना है वर्ड्स। तो फर्स्ट हमारा ही एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाए। सम मतलब सम हमारा क्वांटिटी हो गया, कुछ मात्रा हो गया, वो कितना मात्रा में है। बी मार्च हैज 31 डेज, मार्च हैज 31 डेज। मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। तो हमारे 31 एग्जैक्ट बता रहा है हमें, 31 होते हैं, ठीक है। तो 31 डेज कितना जगह हमारा 31, THIRTY 30। फिर सी हमारा देर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा पानी है। लिटिल हमारा क्या जगह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर डी आई हैव ईटन एनफ फूड, मैंने काफी खाना खा लिया। एनफ क्या जगह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वो कोई भी चावल नहीं खाता था। एनी एनी हमारा क्या हो जाएगा क्वांटिटी। हैव यू एनी प्रॉब्लम, तो हैव यू एनी प्रॉब्लम, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो एनी, ठीक है। तो हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर सी हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल एडजेक्टिव्स, कुछ यहाँ फिल ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसको आपको सही एडजेक्टिव भरना है, फिल करना है यहाँ पे, ओके। पहला हमारा है सोनू इज अ डैश बॉय, तो सोनू के लिए आप क्या लिखोगे, आप कोई सी एडजेक्टिव भर सकते हो अपने मन से। अगर आपको गुड लिखना है तो गुड बॉय लिख सकते हो, और अगर आपको लिखना है कि हैंडसम बॉय तो हैंडसम बॉय लिख सकते हो, इंटेलिजेंट लिखना है तो इंटेलिजेंट बॉय लिख सकते हो, ओके। तो आपको जो यहाँ पर लगता सही लगता है आप बोल सकते हो। तो मैं आपको गुड लिखवा देती हूँ, सोनू इज अ गुड बॉय, कि गुड गुड हमारा एडजेक्टिव है। फिर आवर सोल्जर्स आर, हमारे सैनिक क्या है, बहादुर है। आवर सोल्जर्स आर ब्रेव, बी आर ए वी ई ब्रेव। मंकीज हैव डैश टेल्स, मंकी पास कितने टेल्स होते हैं, वन, सॉरी लॉन्ग, लंबी सी पूछ, तो लॉन्ग टेल्स, एल ओ एन जी लॉन्ग। सीता एट समराइज, ठीक है, सीता एट, तो सम भी ले सकते हो आप, एनएफ भी ले सकते हो कि नहीं, सीता ने कुछ थोड़े चावल खाए, सीता ने काफी चावल खा लिए, तो सीता एट एनएफ राइस या फिर समराइज। द डॉग हैज डैश लेग्स, डॉग के पास कितने लेग्स होते हैं, फोर लेग्स होते हैं, तो फोर लिखेंगे हम। देर इज डैश वाटर इन द जग, तो क्या लेंगे, लिटिल यानी लिटिल थोड़ा सा पानी जग में है। हमारा एडजेक्टिव हमने फिल कर दिया, आगे भी है नहीं आगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, पेज नंबर हमारा 21 है। तो ये सब आपको बुक में फिल करना है जो मैंने करवाया है। तो हमारा एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण, और उसके दो काइंड्स हमने पढ़े हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वालिटी में उसके गुण बताने हैं, गुण कि कौन कैसा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, लाल है, कोई चीज सफेद है, तो वो हमारा उसकी क्वालिटी गुण हो गया उसका। किसी संज्ञा के बारे में बताना है, प्रनाउन के बारे में बताना, और क्वांटिटी में मतलब मात्रा हो गया, क्योंकि हमें बताना है कि वो चीज कितनी है, कितनी मात्रा में है, ओके। तो हमारा हो गया वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आपका चैप्टर 6 भी हो गया, यानी 4, 5, 6 और 8 मैंने आपको पहले करवाया था, और 8, 7 आपका इस एग्जाम में नहीं आएगा, वो फाइनल एग्जाम में आएगा, और 7। तो आपका 8 भी हो गया, 4, 5, 6 और 8, ठीक है। तो आप लोग एक चैप्टर में और पढ़ाऊंगी, चैप्टर 12 जो हमारा है नंबर्स, ठीक है, यानी कि एक वचन बहुवचन जो पढ़ते हो आप, इसे हिंदी बोलते हैं वचन, और इसके दो होते हैं पार्ट, सिंगुलर प्लुरल, एक वचन बहुवचन।
तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे ओके। तो ये आपको रीड करना घर पर बैठ के, जो क्वेश्चन मैंने आज करवाया उस बुक में करना कंप्लीट, और ये चैप्टर 12 आप लोगों को घर पर बैठ के पढ़ना है, उसका फिर कल आप लोगों को मैं ये पढ़ाऊंगी और इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगी कल ही ओके। तो आपका 12 भी आएगा एग्जाम में, तो 4, 5, 6, 8 और 12 ये 5 चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा। और जो एक मैंने करवाया था आप लोग को ऐसे करवाया था, ऐसे करवाया था माई बेस्ट फ्रेंड पे, और ये आएगा ऐसे आपका माई बेस्ट फ्रेंड ओके। तो ये भी आएगा आपका, तो ये तो मैंने करवा दिया जितना आपका उतना एग्जाम में आएगा, और ये भी करवाऊंगी कल मैं चैप्टर 12। और जितना मैंने पीछे पढ़ाया है आप लोग को रीड करना है, जैसे नाउन हो गया आपका, नाउन मैंने पढ़ाया था, नाउन मैंने एग्जाम से पहले पढ़ाया था आपको, तो नाउन रिविजन करना है, नाउन कौन कौन से होते हैं कौन कौन से मैंने पढ़ाया है आप लोग को, और वर्ब पढ़ाया था मैंने, वर्ब रीड करना है, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, और कल पढ़ेंगे हम नंबर्स ओके। थैंक यू।